अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में 2,05,000 मशीनें दरकार होंगी, लेकिन 120 दिन के अंदर मशीनों की खरीदारी मुमकिन नहीं। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और हलका बंदी से मुतल्लिक गौर किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने ऑर्डिनेंस 2021 पर ब्रीफिंग दी, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चंद तरामीम की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात EVM से कराने पर रजामंदी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में EVM पर कोई एतराज़ नहीं है, वफाक या सूबाई हुकूमत मशीनों को खुद तैयार करे तो इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के लिए अगले 3 माह इंतहाई अहम करार देते हुए कहा, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं। आइंदा 3 माह में महंगाई को कंट्रोल करना होगा, हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद बर्ड फ्लू के नए मोहलिक वेरिएंट ने इंसानों पर हमले करना शुरू कर दिए। बरतानवी हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि बरतानिया में मोहलिक बर्ड फ्लू वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। वायरस का शिकार होने वाला शख्स बरतानिया के जनूब मगरबी हिस्से में रहता है। बरतानिया में जानवरों पर बड़े पैमाने पर यह बीमारी फूट पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PPP खैबर पख्तूनख्वा के एग्जीक्यूटिव को बिलावल हाउस में इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी अहदेदारान ने सूबे की सियासी सूरतहाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी को 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों और बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के हवाले से भी PPP खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारान ने ब्रीफिंग दी। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर करार दिया गया। उन्होंने 2021 में 1,326 रन स्कोर किए। रिजवान एक लैंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मुतमईन हूँ कि 2021 में कारकर्दगी से अहम किरदार अदा किया। कैलेंडर ईयर 2021 T20 का एक गैर मामूली साल था, जिसके आगाज़ में ही जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी से एतमाद मिला। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।